मैंने आज ही किबला हुजूर खादिम हुसैन साहब गए के वो कले किसी ने भेजा दोस्त ने मैंने सुना उन्होंने क्या कारक बुखारी उर्दू वाली है कि नहीं दस भी रख लो आलम दीन बढ़ने वास्ते फिर भी मदरसे च 16 साल लाने पैंदे। अब तो 5-6 साल का कोर्स हो गया है। अब तो 9 साल पढ़ने के बाद मैंने कईयों का हजरत ये परस्तम क्या सीखा है, प्रीतम क्या सीखा है, प्रीतम क्या सीखा है, निशिस्तम क्या सीखा है, कुनम क्या सीखा है। कहते जी फारसी की बात हमसे ना करो, हमसे अरबी की बात करो। मैंने कहा दाता साहब की कश्मीर मौजूद फारसी की फिर कौन पढ़ाएगा, उर्दू तर्जमा, फिर तेरे में और आम बंदे में फर्क क्या रह गया, तू भी उर्दू तर्जमा उठा के पढ़ेगा। कहते जी अरबी पूछो, तो जब अरबी पूछे तो कहते हैं जी सीगा तो बता दें कि पर तालील नहीं आती, ये पहले क्या था अब क्या बना और आगे क्या बनेगा ये नहीं पता, समझ आ गई। तो ये बहरहाल आज का एक बड़ा मसला है। दुआ ये भी करें अल्लाह फिर से हमारे मदरसों को वही पहले वाला वकार अता फरमा दे, वो पहले वाला एक अल्लाह जोबन और बहार अता फरमा दे कि जब उलमा पढ़ाने बैठते थे ऐसे लगता था कि दुनिया जहान का इलम इन पे नाजिल हो रहा है। समझे, अब तो उर्दू शरें रटी होती हैं, उस्ताद ने भी और वो रटा के आके बस सुना दी पढ़ा दी और 70 लकीर के फकीरी चल रही है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए।